हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल का नाम है बद्री बिसार रावत। और हम जा रहे हैं दांथा गांव। दांथा गांव में हो रही निरंकार देवता की पूजाई, तो अभी जा रहे हैं हम दांथा गांव और आपको भी दिखाएंगे निरंकार देवता की पूजाई। ये देखिए, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, यही गांव है दांथा। और पास से देखते हैं, ये देखिए ऊपर, यही है दांथा गांव और यही हो रही है पुजाई। अब पता नहीं चल रहा कहाँ पर हो रही है पुजाई, देखते हैं ऊपर जाके ही पता चलेगा। लोग के रास्ते जा रहे हैं और यहाँ सब जगह कांटे कांटे, यानी कि हमारा कांटों से स्वागत हो रहा है। सब जगह कांटे ही कांटे, ये देखो। और रास्ता है बहुत पतला, एक पैर रखने की जगह, और हमें जात नजर नहीं आ रही कहाँ गई भाई, देखते हैं। और बाप रे क्या भयंकर, आपको दिखाती हूँ बैकग्राउंड। जरूर आएगा, फिर उसके बाद वो पेड़ है ना, पेड़ में चढ़ेगा, फिर वो पूजा है ना, उसको काट के लाएंगे थोड़ा सा, इतना अभी आने वाला है। जब आए आएगा ना, सब पेड़ का ऊपर चढ़ेगा, फिर काटेंगे, फिर जाएंगे वो जा रहे। कहाँ है गरुड़, कहाँ है?
करो जा रहे इधर से और हम जाएंगे इधर से। तो यहाँ मेरे कार देवता की पूजा हो रही और नीचे पहिया न्यूतने गए थे और सोने का गरुड़ आता है यहाँ, तब उसके बाद पेड़ में चढ़ते हैं पहिया लेके आते हैं पहिया। एक पेड़ होता है ना, पेड़ का नाम है पहिया। और अभी कल फिर वो होता है जो निरंकार देवता है ना, तो कल लोग सारी जो दीसा होती है सब लोग होते हैं वो भेंट चढ़ाते हैं वहाँ, चावल की भेंट चढ़ती है। और उसके बाद ये लोग तीर्थ स्थानों पे नहाने जाते हैं सभी देवी देवता, फिर नहाने जाएंगे। तो कल भी बहुत बड़ा मेला लगेगा। और हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही पूजे जाते हैं, देवी की पूजा भी होती है ऐसे 5 दिन 7 दिन चलती है। और ये निरंकार देवता की पूजा है, हाँ निरंकार देवता की पूजा करते हैं। तो और कल भी है प्रोग्राम, मतलब कल भी होगा पूजा, कल भी है, लेकिन कल हम नहीं मतलब वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें है दूसरा काम। तो कल हमारे गांव में भी शादी है, गांव में क्या, हमारे बिल्कुल बगल में भाई की लड़के की शादी है, मेरे भाई है जो बगल में भाई, तो उनकी लड़के की शादी है तो वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ भी मुश्किल है, नहीं तो हमने कल की भी वीडियो बनानी थी, कल मुश्किल लग रहा है। कल गांव के साथ मतलब मामी की बेटी है ना, उनकी शादी है तो हम वहीं जाएंगे। जैसे दुल्हन चूड़ियां पहनने जाती है ना मार्केट, तो कल चूड़ियां पहनाने जाएंगे दुल्हन को, फिर कल का कल दिखाएंगे। और यहां पर रुके हुए हैं, देखते हैं।
पकड़ दे फोन तो पूजा हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम घर और फिर शाम को होगी। पर हमारा गांव पड़ता है दूर तो हम शाम को नहीं आ सकते, अभी भी अंधेरा हो गया, अंधेरा लग रहा है एकदम। तो हम जा रहे हैं फटाफट रोड के रास्ते अपने घर, ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, बस थोड़ी दूरी में है। नीचे से नहीं जाएंगे, उधर जंगल है तो तब बाघ खा जाएगा। मैं इस गांव का टूर कराती पर टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अगले दिन अगर बाद में एक बार आपको आपके लिए एक वीडियो डाल देंगे। अगर बीच में मेरा यहाँ आना हुआ तो यहाँ का भी दिखाऊंगी मैं। ये है दांथा गांव, दांथा, और हमारा हुआ मालकोट गांव, आमने सामने के गांव है और बहुत सुंदर गांव है देखो। हाँ मतलब लोग काफी सारे हैं मालकोट में, ना लोग कम है, मतलब है ना सुनसान सा लगता है मालकोट में, यहाँ तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। देखो पंदेरा है, अब रोड का रास्ता ढूंढ रहे, मुझे तुम्हें पता रोड का रास्ता कहाँ से है, दीदी बताएंगे। ये भी तो दीदी बोलेगी। हम पहुंच चुके हैं रोड पे और जाएंगे फटाफट, यहाँ पे देखो बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो रखी, यहाँ से आगे रोड नहीं है, यहीं से ये लास्ट गांव है, यहीं पे रोड खत्म होती है और हम रोड के रास्ते यहाँ पर हमारा गांव है, बस दो कदम चलने तो हम जाएंगे रोड के रास्ते जाएंगे। अंधेरा हो गया एकदम। हाँ अंधेरा तो हो गया, ये तो पहुंच गया हमारा गांव। और कल से गांव में शादी स्टार्ट है। हाँ। कल चूड़ी पहनाएंगे, मतलब दुल्हन रसम होती है ना। हाँ, रसम होती है कि दुल्हन सबसे पहले चूड़ी पहनने जाती है। हाँ। और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है, उन्हें पार्टी कराती है जो भी है, और घर पे कीर्तन होता है, मम्मी बताती है। तो पहले जैसे आजकल तो लोग बाहर चले जाते हैं, देश चले जाते हैं, तो पहले क्या होता जैसे गांव की लड़की रहती थी उसकी शादी होती थी तो एक दिन वो सारी अपनी फ्रेंडों को जैसे मार्केट लेके और उनको पार्टी देती थी, उनको चूड़ी पहन के आती थी, मार्केट से चूड़ी पहन के आती थी। मार्केट लगा लो, बाजार लगा लो, हमारा बाजार पड़ता है चौपट्टा खाल। तो पहले हम भी जब मेरे फ्रेंडों की शादी हुई तो हम भी गए थे, सब फ्रेंड मिलके सब चौपट्टा खाल जाते थे क्योंकि वहाँ हमारा सबसे नज़दीक मार्केट पड़ता है, और वहाँ से दुल्हन चूड़ी पहन के भी आती थी, और जितना हमें मतलब हमें जो होटल में थोड़ा बहुत खिलाती पिलाती, पार्टी लगा लो थोड़ा बहुत पार्टी, जो पार्टी होती थी पार्टी देती थी। और आजकल क्या होता है, आजकल मार्केट में बाजार में कोई चूड़ी नहीं पहनती दुल्हन चली जाती है कुछ दिनों के, एक महीने के लिए बाहर चली जाती है, फिर बाहर से पहन के मेहंदी लगा के बाहर से आ जाती है। तो जहाँ ये कल शादी है, बहन की शादी है, तो क्या बोलते हैं, वो भी दिल्ली में बाहर ही रहते हैं, लेकिन शादी उसकी यहाँ हो रही है, और चूड़ी वगैरह तो बाहर से आएंगे, वहीं से ले आते हैं ना पहन के, सब वहीं से आ जाते हैं बाहर से, दिल्ली से आ रहे। लेकिन कल जो फ्रेंड होते हैं ना गांव की लड़कियां होती हैं उनको पार्टी देगी, तो कल सारे जाएंगे चूड़ी पहनने। अंधेरा हो गया और वीडियो ना बिल्कुल झकझक झकझक, मतलब वीडियो ना ब्लर हो रही है, पूरी रस्म दिखाना जरूरी है ना। हाँ।